राजस्थान के बारां छिपाबदौड़ क्षेत्र में हुई तेज एवं मूसलाधार बेमौसम बरसात से किसानों की फसलें हुई चौपट को लेकर भारतीय किसान संघ छिपाबदौड़ के मीडिया प्रभारी उपेंद्र धाकड़ ने बताया कि बेमौसम बरसात से खरीफ की फसलों में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री महोदय को SDM के द्वारा ज्ञापन दिया। वहीं दूसरा ज्ञापन 2021 के मुआवजा व फसल बीमा के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दिया। भारतीय किसान संघ छिपाबदौड़ के तहसील अध्यक्ष ओम जी आचौलिया ने प्रेस नोट जारी करके बताया कि 5 अक्टूबर से छिपाबदौड़ तहसील सहित पूरे हाड़ौती संभाग में लगातार बरसात हो रही है, जिससे किसानों की खेतों में खड़ी व कटकर पड़ी फसलों में व्यापक नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण किसानों की नदी नालों के किनारे कटी हुई फसल पानी के बहाव में बह गई। बची हुई फसल नमी के कारण अंकुरित हो करके नष्ट हो गई है। उसमें पंचायती वाले ही रिपोर्ट करेंगे, अगर मान लो अतिक्रम होता है छुड़ाएंगे भी वही। हमसे कोई मदद मांगेंगे तो हम तैयार हैं। सरपंच साहब ये बोल रहे हैं, हम बुरा नहीं होने चाहता है। बुरा नहीं होना चाहता जब उनके खाते दर्ज कर दिए, आपके नाम कोई मकान दर्ज कर दिया हमने या जमीन दर्ज कर दी तो आपकी जमीन होगी ना, ठीक हो। उसकी जिम्मेदारी आपके, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराए। आप सब सरपंच साहब से बोलेंगे, जैसे मान लो साहब सरपंच साहब वास्तव में मनाई करते हैं कि नहीं मैं तो बुरा हूँ, मैं तो कार्यवाही नहीं करूँगा। पंचायत उसका क्या प्रोसेस है? पंचायत से मिला प्रधान साहब से बात, क्या हमने जो मैंने चारागा सबको पंचायत के खाते दर्ज कर दी, अब उसको विकास कराए या अन्य उपयोग में ले, कुछ भी करें, घास चारा करें, गौशाला खोले, कुछ भी करें, पंचायत के दिन कर दिया। रस्तों की रास्ते के लिए तो जैसे मान लो कोई दिक्कत आएगी, चारा कर दिया, छोड़ा दिया, चारागा में जाने का ट्रैक्टर का गेला नहीं है, उसके लिए अलग किसी में डालते हैं तार वार, पर्सनल चक्कर में आ जाते हैं तो लड़ाई करते हैं। पर्सनल चीज हो तो बता दो, जब मौका दिखा लेंगे अभी मौसम खुलने के बाद। पर्सनल तो आप व्यक्तिगत भाई आपके हिसाब से मिल सकते, ये तो अपनी सामाजिक समस्या है, ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए तो आपको पिछले साल क्या था, जब सरकार देगी आपके कागज सब भेज रखे हैं, सरकार दे देगी उनको वापस आएगा पैसा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।